सो वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम देख रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो मूविंग ऑन टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ नथिंग बट द थियोरिटिकल मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। यानी कि आज तक जो भी हम मीन पढ़ते आए थे ना, एवरेज जिसे हम कहते थे, वही हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, बस उसको दूसरा नाम दे दिया है। इसको हम एक्सपेक्टेशन भी कह सकते हैं, ठीक। तो ई ऑफ एक्स से हम इसको डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू म्यू के बराबर ही होती है, जो हम मीन को डिनोट करते हैं ना म्यू से, तो ई ऑफ एक्स इक्वल टू म्यू, राइट। एंड फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो हमने क्या किया था कल नहीं लास्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने डिस्कस किया था। तो उसी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट द समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, राइट। यानी कि हर एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसका हम सम ले लेंगे, ठीक। तो आई होप इट इज़ क्लियर। मूविंग ऑन टू वेरियंस, तो वेरियंस का भी कुछ ऐसा हिसाब है कि इसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। एंड ये होता क्या है, स्क्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। अब इसका रेलिवेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसको भी कैलकुलेट करना ड्यू टू द टाइम बाउंडेशन। तो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरियंस की वैल्यू होगी वो होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट द मीन। तो हम सिग्मा स्क्वायर को ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, राइट। सो मूविंग ऑन, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन वही है लास्ट वीडियो वाला कि हमारे को गिवन है कि 60% चांस है कि एक न्यू बॉर्न को जॉन्डिस होता है, राइट। एंड हमारे पास सैंपल स्पेस में 2 न्यू बॉर्न बेबी हैं, तो हमको बताना है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है। अगर हमारा रैंडम वेरिएबल है दैट अ चाइल्ड हैज़ जॉन्डिस या चिल्ड्रन हैव जॉन्डिस, तो इसका हमको मीन निकालना है। तो कल हमने इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, तो एक्स की वैल्यूज़ क्या हो सकती थी, 0, 1, 2, राइट। एंड लेट मी करेक्ट इट, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन रही थी वो कितनी बन रही थी, 0.16, एंड इसकी हो रही थी 0.48 आई गेस, 0.48, एंड इसकी थी 0.36, राइट। तो अब हम इसका क्या निकालते हैं, पहले मीन। तो इसका मीन किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो मीन का हमने फॉर्मूला देखा समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, 0 × 0.16 प्लस 1 × 0.48 प्लस 2 × 0.36, राइट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मीन। तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0.48 प्लस 0.72 विच इज़ 1.2। तो आपने ये चीज़ नोटिस करी कि जो हमारा मीन आया वो हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू भी नहीं है। तो इस चीज़ को हम कंफ्यूज़ नहीं करें कि मीन की वैल्यू हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है। मीन इज़ जस्ट थ्योरेटिकली एवरेज निकाल दिया हमने, ठीक, अपने डेटा का। अब हमें कैलकुलेट करना है वेरियंस। तो वेरियंस का फॉर्मूला हमें पता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो म्यू स्क्वायर की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ई ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, ठीक। जैसे ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स पी ऑफ एक्स, राइट। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया है, तो ये भी यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या वैल्यूज आएंगी, 0 square × 0.16, ये इंटू का सिंबल, 1 square × 0.48 एंड 2 square × 0.36। तो इस बार ये कुछ आएगा, लेट मी कैलकुलेट,
आएगा 0.48, प्लस इस बार ये आएगा 1.44 आई गेस, एंड ये टोटल सम हो जाएगा 1.92। तो वेरिएंसेस का कितना कैलकुलेट हो क्या आया 1.92। तो ये था कॉन्सेप्ट मीन और वेरिएंस का। एंड अगर आपसे कोई स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लेता है, तो जिस तरीके से ये सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, राइट। तो ये हो गया रूट वेरिएंस। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रूट 192। तो आई गेस आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।